विगत जिस दिन से काउंटिंग हुई है उसी की बात से लगातार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समर्थकों पर जिस तरह से यहाँ के प्रशासन ज्यादती कर रहा है आप लोग भी देख रहे हैं। पिछले मई में 8 मई को हमारी सुल्तानपुर शहर में तलाशी हुई, कुछ भी मिला नहीं। पूरी अमहर चौराहे पे तलाशी हुई, वहाँ जब कुछ नहीं मिला तो कोतवाली लेके आए। यहाँ जो भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, काफ़ी लोग उस दिन में कोतवाली में भी थे, सबके आगे तलाशी हुई लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। उसके बाद भी हमारा चलान हुआ, हमारी जमानत हुई, फिर अभी कल हमको फिर रोक लिया गया, फिर हमारी तलाशी की गई। आखिर ये चाहते क्या है? लेकिन ये वीडियो 2018 का है और शासन ने 2019 से संज्ञान में लेना शुरू किया है। जो ये फायरिंग वाला मामला है शादी में, हर्ष फायरिंग का, इसको शासन ने 2019 से लेना शुरू किया है। और वो हर्ष फायरिंग नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए वो एक किनारे खड़ी होकर दगा रही हैं। और आप लोगों की भी शादी हुई होगी, पुलिस वालों की भी शादी होगी, जब दुल्हन घर पे आती है तो सबके यहाँ गोले तमाशे दगते हैं। कोई बता दे कि जिसकी शादी उसकी दुल्हन घर पे आई वहाँ गोला ना दगाया गया हो? ना वहाँ डांस हो रहा है, ना वहाँ जयमाल हो रही है, एक किनारे खड़े होकर फायर कर रही हैं। ये कौन से, ये हर्ष फायरिंग किस में आता है? ये हमारे ऊपर में FIR करके परेशान कर रहे हैं। आप लोग भी, अभी 15 दिन के पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ होगा, इन्हीं के लोगों ने बना के एक लड़की का वीडियो डाला था फेसबुक पे। बहुत सारे जिले के बड़े बड़े सम्राट लोग उस पर कमेंट भी किया कि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ आप सबको पता है। उसमें उषा सिंह की फोटो साफ साफ दिख रही है कि उनकी गाड़ी से उनके लोगों ने वीडियो बना के फेसबुक पे डाला है। इससे गंदा घटिया काम कुछ और कर सकते हैं? उसमें कोई नई चीज़ नहीं। उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम भी एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उसकी FIR होगी। इन्होंने अपनी बहन से शादी की है, धारा 153A के तहत इनके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कानून का उल्लंघन है, जो अपनी बहन से शादी किए हैं, इसकी FIR होगी। माननीय कप्तान साहब से पूछिएगा आप लोग भी क्या करेंगे इसकी FIR। उसकी FIR की जिस लड़की के लोग वीडियो बना के फेसबुक पे डाला था, ये हमारा कौन सा हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम कहाँ हर्ष फायरिंग करते, इस भीड़ में हमने हर्ष फायरिंग की। और हमारे राजपूतों में इतिहास रहा है, अस्त्र शस्त्र चलाना हमारे यहाँ माँ बहनों को सिखाया जाता था। हमारे ऊपर 3-3 बार हमला हो चुका, 3 बार कचहरी में, 2 बार पुलिस कस्टडी में हमला हुआ है। आप सबको मालूम, पुराने लोगों के साथ मालूम होगा, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, यहाँ तक कि जो हमारे साथ में सुरक्षा में पुलिस वाले थे उनको भी चोट लगी, और काफ़ी तो छोड़ के मौके से भाग गए थे। अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हमारी बहन बेटी अगर असलहा है, लाइसेंसी असलहा है, कोई दबाए तो था नहीं, तो कौन दगाएगा उसको मौके पे? ये तो जान बचाने के लिए खुद ही हमको छोड़ के इलाहाबाद में भाग गए थे, सुल्तानपुर भाग गए थे छोड़ के। हमको लगातार शिकायत कर रहे हैं, कहीं कोई सुन रहा है? विधायक जी, हमारे बड़े भाई के ऊपर गैंगस्टर लगा दी गई, NCR मुकदमे में गैंगस्टर लगा है। ये सुल्तानपुर का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जो हमको नोटिस दी गई SDM साहब के यहाँ से, इस पूरे फैजाबाद मंडल में 30 सालों के अंदर वैसी नोटिस किसी को नहीं जारी हुई है। आप पता कर सकते हैं अगर इसमें हमको झूठ बोल रहे हो तो? यहाँ के सदर विधायक सूरभान सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। जिस तरह से हमारे ऊपर हमारी तलाशी ली जा रही, मिल कुछ नहीं रहा है। कल को अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो इसका क्या मतलब है? 3 अटैक तो हो चुके हैं, हमारी जान कौन बचाएगा? हमारे ऊपर अगर हमला हुआ, हमने अपने पूरे परिवार से बताया, अगर हमारी हत्या हुई तो हम सीधे मुकदमा कप्तान साहब के खिलाफ नामजद लिखाएंगे। और किसी ने सबसे पहले नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से तलाशी की, कल हमारी जब तलाशी हो रही थी, हम बार बार पूछे थे हमारी तलाशी होगी, शिव कुमार सिंह की तलाशी क्यों नहीं हो रही? हम ही 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी चल रहे हैं। दोस्तपुर में क्या हुआ चुनाव के दौरान? BDC का पर्चा लेके फाड़ा गया, थाने में बैठा के सुलह कराई गई। जब वहाँ के ग्रामीणों ने थाना घेरा तब वहाँ के सुलह करा के दूसरा पर्चा मंगा गया। वही अभी धनपतगंज में हुआ था, तो मुकदमा करते, गैंगस्टर लगाते, सब ही करते। जो है चुनाव हम जीत रहे और कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले भी हम चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। वो अपना प्रचार किए, हम अपना प्रचार किए, हम चुनाव हार गए। शायद इसमें कुछ पत्रकार बंधु उस समय वहाँ बाहर रहेंगे, कितनी भीड़ थी। हम हार के निकले, हम कहे हम चुनाव हार गए, आप लोग घर चलिए शांति से, बात खत्म। मजबूर कर दिए, हम यहाँ नहीं करना चाहते थे, हमारी ये हाल कर दी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कल मैं जब सुल्तानपुर में तलाशी लेने की बात निकला तो रास्ते भर पुलिस हमको दौड़ाती रही, किसी तरह से मैं अपने घर पहुँचा हूँ। सिर्फ यही था कि इनको अरेस्ट कर लो।
हम आज सुल्तानपुर में करते, लेकिन रास्ते में अरेस्टिंग हो जाती तो इसीलिए नहीं निकल पाए घर से। हम आप सबसे न्याय की अनुरोध करेंगे, हमारे साथ न्याय करवाइए। जो ये अत्याचार षड्यंत्र हमारे साथ, हमारे समर्थकों के साथ, हमारे परिवार के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है।